नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपको अपने ही यूट्यूब चैनल वंदना जी की रसोई में स्वागत करती हूँ। तो आपने गाजर का हलवा तो बहुत तरीके से बना के खाया होगा, एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी और अमेजिंग लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बनने वाला गाजर का टेस्टी हेल्दी हलवा बनाएंगे आज, और फिर मजे से हलवे का स्वाद लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि गाजर का हलवा झटपट से और कैसे टेस्टी बनता है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने गाजर को लेके उसको छील लिया है, फिर उसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर सकते हैं तो कद्दूकस कर लीजिए, नहीं तो इसको छोटा छोटा पीस करके ग्राइंड में भी कद्दूकस किया जा सकता है, तो उसमें से भी कद्दूकस हो जाएगा। तो मैंने तो इसमें इसकी मदद से कद्दूकस किया है, मेरे पास ये है, तो इससे जल्दी से ग्रेड हो जाता है। तो हमको सारे जितने हमारे पास वो हैं सब हम उसको ग्रेड कर लेंगे, और फिर ग्रेड करने के बाद आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे ग्रेड करना है आपको। तो इस तरीके से हमने सारे कैरेट को ग्रेड कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जितने भी कैरेट है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके ग्रेड कर लिया है। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे अपने जो हमारा कैरेट है उसको हमने ग्रेड करके तैयार कर लिया है। अब हमें चलना है उसको पकाने की ओर। तो पैन को गैस में रख के गर्म करने के लिए हमने रख दिया है, उसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून हमें घी लेना है, देसी घी। उससे बनाने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बनाने को तो आप किसी से भी बना सकते हैं, पर देसी घी से बनाएंगे तो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट भर भर के कूट कूट के आता है, माँ के हाथों का टेस्ट आता है। तो अब इसमें लगभग 2 टेबल स्पून हमने जीरा डाला है, जीरा को अच्छे से फ्राई होने देंगे। जैसे ही जीरा हमारा फ्राई हो जाएगा, फिर उसमें हम जो कद्दूकस करके गाजर रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे। तो हमारा जीरा वो हो गया है, अब हम इसमें अपना सारा कैरेट जो है उसको हम इसमें डाल देते हैं, और इसको अच्छे से चला देंगे एक बार और ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए ढकने के बाद देखिए हमारा जो गाजर है वो अपने ही जूस से सॉफ्ट होने लगा है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए 4 से 5 मिनट पकने के बाद, अब उसमें हम लगभग 150 ग्राम चीनी ऐड किए होंगे, या 200 ग्राम मान लीजिए होगा, क्योंकि हमारा कैरेट जो था 1 केजी था, 1 केजी से ज़्यादा ही था। तो उसके लिए मैंने 200 या 250 ग्राम चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना कम मीठा, ज़्यादा मीठा खाना हो तो वैसे भी कैरेट मीठी होती है तो ज़्यादा चीनी की आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी जितना टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ऐसे ही चला चला के सबसे लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने हलवे को अच्छे से भून लिया है। हमारा हलवा भून गया है काफ़ी अच्छे से, अपने कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार अच्छे से चलाएंगे ताकि इसका जो जूस है वो पूरा अच्छे से सूख जाए। अब हम इसमें लगभग 0.5 लीटर दूध, 500 ग्राम दूध पका के, और फिर इसको इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे तब तक ऐसे चला के पकाना रहे जब तक कि दूध अच्छे से पक ना जाए, पूरा सूख ना जाए। तो इसको अभी ढक देंगे, एक से ढकने के बाद बीच बीच चलाते रहना है ताकि हमारा जो दूध डला हुआ है वो फटे ना और नीचे से जले ना। तो
उसको चला के अच्छे से पका लेना है जब तक कि हमारा दूध अच्छे से सूख ना जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़, अब इसमें हमने 2-3 इलायची क्रश करके डाल दिया है क्योंकि इलायची से इसका फ्लेवर अच्छा से इन्हेंस होता है। बस इसको ऐसे चला चला के पकाना है जब तक कि पूरा पानी सूख ना जाए। तो अब हमारा हलवा 90% तक कुक्ड हो गया है। अब 1.5 मिनट तक इसको और पकाएंगे और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके 8 से 10 हमने काजू और बादाम स्लाइस में कट कर लिए है और थोड़ा सा किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से। तो जब इसको अच्छे से 1.5 मिनट 2 मिनट तक पकाएंगे तो देख सकते हैं हलवे का कलर और क्रीमीनेस कितना परफेक्ट आया हुआ है, कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया हुआ है। स्मूथ एंड टेस्टी हलवा पक चुका है अच्छे से। बस थोड़ा सा इसको और 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गाजर का हेल्दी हलवा बनके रेडी है। आजकल ना ठंडियों की गाजर काफ़ी अच्छी आती है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन नहीं मानेंगे आप, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब चलिए इसको सर्विंग करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म हमारा हलवा बनके तैयार है। बस 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा बादाम से गार्निशिंग कर देते हैं और बस अब सर्व करिए और हलवे का टेस्ट लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।